आज रविवार 24 सितंबर का दिन भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए काफी अहम दिन है। आज एक तरफ जहां भारत की महिला क्रिकेट टीम एशियाई खेल 2023 के सेमीफाइनल में उतरने जा रही है, तो वहीं भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में दूसरा वनडे मुकाबला खेलने इंदौर में उतरने जा रही है। इसलिए आज हम यहां आपको दोनों मुकाबले के बारे में बताने आए हैं कि कौन सा मुकाबला भारतीय समय अनुसार कितने बजे आरंभ होगा और किस मुकाबले को आप किस टेलीविजन चैनल पर देख सकते हैं तथा मोबाइल में कौन से मुकाबले को किस ऐप पर बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियाई खेल 2023 में आज अपना पदक पक्का करने बांग्लादेश के खिलाफ उतरने जा रही है। आज भारत और बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आज अगर भारतीय महिला टीम बांग्लादेश को हरा देती है तो फिर वह फाइनल में पहुंच जाएगी और फाइनल में पहुंचते ही भारत का एक पदक पक्का हो जाएगा। अभी तक भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 16 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम को 13 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ जीत मिली है, जबकि बांग्लादेश को सिर्फ भारत के खिलाफ 3 मैच में ही जीत मिली है। तो आज पूरी संभावना है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का यह मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश करने का। आज भारत और बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 पर एक दूसरे के खिलाफ उतरेगी। अगर आप इस मुकाबले को टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो इस मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा। अगर आप इस मुकाबले को अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप पर इस मैच का प्रसारण किया जाएगा। अब हम बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुकाबले की। भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस समय 3 वनडे मैचों की सीरीज चल रही है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम 1-0 से आगे है। इस सीरीज का आज दूसरा मुकाबला इंदौर में खेला जाएगा। अगर आज भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले को जीत लेती है तो भारतीय क्रिकेट टीम इस सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगी। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार 1:30 पर आरंभ होगा, जिसे आप अपने मोबाइल में बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। इस मैच का प्रसारण जियो सिनेमा ऐप पर किया जाएगा। इसके अलावा स्पोर्ट 18 टीवी चैनल पर भी इस मुकाबले का लाइव प्रसारण किया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आप दोनों में से किसी भी मुकाबले को लाइव नहीं देख पाते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर दोनों मुकाबले का परिणाम सबसे पहले आपको बताया जाएगा।